कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अपना तो मानना है कि पुतला दहन से बड़ा राजनैतिक अनुष्ठान और कोई नहीं हो सकता। वो नेता ही क्या जिसके पुतले हर महीने न फूके जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चीन का दलाल बताते हुए उनके पुतले फूके। ऐसे में भला कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। भाजपा ने पुतला फूका तो हम भी फूकेंगे। तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को काला दिवस के रूप में मनाते हुए शिवराज का पुतला फूंका। खंडवा जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय केवलराम चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। काला दिवस मनाने के पीछे कांग्रेस का तर्क था कि आज सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल प्रदेश में बिक रहा है। देश में सबसे ज्यादा महंगे बिजली बिल प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश में भरना पड़ रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। इसके विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश सहित खंडवा में भी मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका पुतला जलाया गया है। और आज जिन उन सत्ताधारियों के खिलाफ ये प्रदर्शन था, जिन्होंने षड्यंत्र रचकर इस महामारी के इस दौर में जहाँ हर व्यक्ति परेशान था, हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, उनने अपने निजी स्वार्थ और सत्ता के लालच में जो सत्ता परिवर्तन किया, उसका घोर विरोध करते हुए आज यहाँ पर पुतला चलाया गया। और मैं कड़ी निंदा करती हूँ इस तरह की कार्रवाई के लिए कि उन्होंने जिस काल में हमको छोड़ा, आज हमारे मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, जब हमें उन लोगों की सख्त जरूरत थी, जब सत्ता परिवर्तन में वो लोग, आज यह स्थिति है कि वो खुद अपना मंत्रिमंडल अभी तक नहीं गठित कर पाए। तो जो विफलताएं उनकी 100 दिनों की थी, उसके लिए हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले समय में उन लोगों को इस बात की सीख मिलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ये उपचुनाव में उनको इस बहुत बड़ी सीख मिलेगी इस बात से कि उन लोगों ने जो हमारे साथ षड्यंत्र किया है, उसका हम किस तरह से उपचुनाव में उनको घोर और एकदम करारा जवाब देंगे। इस बीच एक नया चलन भी बहुत लोकप्रिय हो गया है। दहन की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही पुतलों को लातों और जूतों से पीटा जाता है। कुछ लोग राजनैतिक सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा से प्रभावित होते हैं। वे कुछ फासला रखकर पुतले को डंडे से पीटते हैं। इस मौके पर नारेबाजी का भी महत्व है, जो राजनीति में काइयापन का होता है। इसीलिए उत्साह बढ़ाने के पहले नारे लगवाए जाते हैं। खंडवा से महेश पटेल के साथ अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।